हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट एग्जाम यानी फॉर्म नंबर 17 भर के जो एसएससी और एचएससी की एग्जाम होती है उसके बारे में। तो आपको पता है या नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कम से कम पाँचवीं तक पढ़े हैं और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है, ओके, या छठी सातवीं आठवीं कभी भी पढ़ाई छोड़ी है या नाइन्थ फेल हो गए हैं, ऐसे सारे बच्चे डायरेक्ट दसवीं दे सकते हैं। बट एक कंडीशन है, उन्होंने पहले कभी दसवीं अपीयर ना किया हो। तो ऐसे बच्चे एज अ प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म नंबर 17 भरकर दे सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ओके। तो ये हुई दसवीं के एग्ज़ाम देने के लिए, जो प्राइवेट दसवीं की एग्ज़ाम होती है वो जो बिना स्कूल गए, स्कूल नहीं जाना पड़ता उन्हें, घर बैठे पढ़ाई करना, सिर्फ फॉर्म भरना होता है और जब एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। कंडीशन क्या है कि उसने कभी दसवीं ना दिया हो, उसकी उम्र 14 साल क्रॉस कर गई हो, ये कुछ कंडीशंस होते हैं। और तीसरा कंडीशन, कम से कम उसने पाँचवीं तक की पढ़ाई की हो। तो ये दसवीं की प्राइवेट एग्ज़ाम देने के लिए क्राइटेरिया होता है। इसके बाद अगर आप बारहवीं का प्राइवेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कंडीशन है कि कम से कम आपने दसवीं की एग्ज़ाम दी हो। अगर आपने ग्यारहवीं नहीं भी दिया होगा तो दसवीं की एग्ज़ाम देने के बाद कम से कम एक साल का गैप देना पड़ता है, फिर आप बारहवीं की प्राइवेट एग्ज़ाम दे सकते हो। और बारहवीं आपने अपीयर ना किया हो, मतलब कि जो बच्चे एक बार दसवीं या बारहवीं अपीयर होकर फेल हो जाते हैं उन्हें रिपीटर एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ओके। ये जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं फॉर्म नंबर 17 भर के, ये फ्रेश स्टूडेंट होते हैं। जैसे दसवीं के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बारहवीं के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं बारहवीं में, वैसे ये बच्चे भी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, पहली बार दसवीं या बारहवीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके पहले इन्होंने कभी दसवीं बारहवीं नहीं दी थी। तो ये प्राइवेट फ्रेश कैंडिडेट होते हैं। और जो स्कूल या कॉलेज में बच्चे जाते हैं पढ़ने, वो रेगुलर फ्रेश कैंडिडेट होते हैं। तो इस तरह से होता है। अब इस साल ये कब होगा, तो हर साल जून के अंदर फॉर्म निकल जाता था, फॉर्म नंबर 17, जिसको भरने के बाद बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता था, फिर दिवाली के टाइम एग्ज़ाम फॉर्म बच्चे भरते थे, और मार्च या फेब में जब दसवीं या बारहवीं की रेगुलर एग्ज़ाम होती थी, स्कूल या कॉलेज के बच्चों की एग्ज़ाम, उनके साथ ही ये बच्चे जो है प्राइवेट एग्ज़ाम देते थे। और वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर, सेम पैटर्न, सेम टाइम टेबल, सब कुछ सेम होता है। लेकिन इस साल जो है कोविड के वजह से अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। तो क्या इस साल फॉर्म निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको बता दूं फॉर्म निकलने वाले हैं। जैसे एग्ज़ाम होती थी हर साल मार्च में फरवरी में, वैसे ही एग्ज़ाम होने वाली है। तो फॉर्म कब भरना है, जून में हर साल भरते थे, तो ये कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो सर्कुलर इसका लेट हो चुका है। अब पिछले दिन ही एक ऐसा डिसीजन आया है कि अक्टूबर में रिपीटर एग्ज़ाम होने वाली है। जो बच्चे एटी केटी थे, फेल हुए थे या इम्प्रूवमेंट देना चाहते थे, उनकी एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाली है। तो ये जो फॉर्म नंबर 17 का जो सर्कुलर आता है वो उसी के साथ आता है। तो एक साथ हो सकता है एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर इसका सर्कुलर निकल जाए, डेट आ जाए। तो आप लोग इंतज़ार करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जैसे ही इसकी डेट आएगी, अगस्त महीने में ही आ सकती है, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। आप सेंटर पर जाकर फॉर्म भर देना। इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी भरना होता है। मैंने ये जो क्राइटेरिया बताया उसमें और एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप नवी फेल हैं तो आपने कम से कम 30 जून के पहले स्कूल छोड़ दिया हो, यानी कि आपने एलसी ले ली हो। ये भी एक क्राइटेरिया होता है जो अभी नाइन्थ फेल हुए रहते हैं, बट इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलो, ऐसी जानकारियां लेकर मैं आते रहता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और नए वीडियोज़ में नई जानकारी के साथ।